नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल कर सक्सेना आप लोग के साथ आई नजर डालते हैं खास खबरों की। राजधानी जयपुर में बजट से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी को बड़ी सौगात मिली। शोध के लिए 200 सीटों का बढ़ा दिया गया, साथ ही नए प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दूसरे बजट के पेश होने से पहले मंगलवार को प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के सैकड़ों शिक्षकों को 8 वर्षों से अटकी पदोन्नति की सौगात मिल गई है। शिक्षक करियर एडवांसमेंट स्कीम के जरिए रीडर से प्रोफेसर में पदोन्नति की मांग को लेकर एक अरसे से संघर्ष कर रहे थे। आज जब उच्च शिक्षा मंत्री ने तत्काल पदोन्नति की घोषणा की तो शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। साथ ही यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होने से प्रोफेसर की संख्या भी सिमट कर महज 12-13 तक रह गई। ऐसे में बेहद जरूरी था कि आरयू में शोध कार्यों और अध्यापन के लिए प्रोफेसर की नियुक्ति की जा सके, जिसके लिए सिलेक्शन के साथ ही पदोन्नति का रास्ता साफ करना जरूरी था। ऐसे में बजट से ठीक पहले मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ आज उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पदोन्नति की सौगात दी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 272 एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिल सकेगा, जिससे ये शिक्षक एसोसिएट से अब प्रोफेसर्स बन सकेंगे। यदि अब भी CSS नहीं किया जाता तो इस दिसंबर तक यूनिवर्सिटी में महज 4 ही प्रोफेसर बचेंगे। मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी के 32 में से 28 विभागों में प्रोफेसर्स नहीं थे, जिसकी यूनिवर्सिटी की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में खासी गिरावट आती है। इससे यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा का भी बड़ा नुकसान होगा। पश्चिम मध्य रेलवे वैगन रिपेयर शॉप कोटा में कैंटीन मैनेजर कर रहा था खाने में घोटाला के चलते कर्मचारियों ने किया वहां पर हंगामा। कोटा राजस्थान पश्चिम मध्य रेलवे के वेगन रिपेयर शॉप की कर्मचारी कैंटीन में कैंटीन मैनेजर सुधीर सैनी कर्मचारियों को दे रहे थे कम खाने की मात्रा। कैंटीन मैनेजर ऐसा कई दिनों से कर रहे थे। कारखाने के रूष्ट कर्मचारियों ने इसको लेकर हंगामा किया। हंगामे की खबर वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी संजय कुमार को मिली तो वैसे ही संजय कुमार कैंटीन पहुंचे और कैंटीन संचालक श्याम लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। दोनों ने मिलकर मामले को शांत करवाया और खाने की मात्रा 5 पूड़ी की जगह 8 पूड़ी दिलवाना चालू कराया। रूष्ट कर्मचारियों ने की मैनेजर विरुद्ध कठोर कार्रवाई की भी मांग। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।